राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर रोक की याचिका खारिज कर दी है। ईडी ने लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द किए जाने की मांग की थी। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने 28 जून को जो फैसला सुनाया था, प्रथम दृष्टता यह पाया गया कि सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं है, यह बहुत ही तर्कसंगत है। कोर्ट के इस फैसले के बाद झारखंड सीएम को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दी है। वे उसी शाम जेल से बाहर आए थे। सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था, ईडी ने हेमंत सोरेन पर जमीन पर कब्जा करने का जो आरोप लगाया है उससे संबंधित एक भी दस्तावेज अभी तक ईडी कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। कोर्ट का कहना था कि ईडी ने इस मामले में जिन लोगों के बयान लिए हैं उससे भी साबित नहीं हो पा रहा है कि वह जमीन हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।